थॉट्स के लेवल के ऊपर, हमारे डिज़ायर्स के लेवल के ऊपर। और बेसिकली अगर सिंपल तरीके से क्या देखा जाए, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देख रहे हैं, अभी इस पत्थर को देख रहे हैं, रेत को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं, अपनी बॉडीज़ को देख रहे हैं, जैकेट को देख रहे हैं, ये सब क्या है? दिस इज़ नथिंग बट एनर्जी। ये सबको पता है, सबको पता है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। सो दिस इज़ एनर्जी वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग है, मेरी जीन्स की अलग है, इसलिए दोनों देखने में अलग लग रहे हैं। है एनर्जी, है एनर्जी, सिंपल है। तो इसी तरीके से इसकी पत्थर की अलग है, मेरी बॉडी की अलग है, सब चीज़ों की अलग है। ऐसे ही हमारे थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग थॉट्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। लेकिन क्या हम अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं अभी आज के टाइम में? साइंटिफिकली नहीं कर सकते। अभी ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना कि हम एग्जैक्ट बता सके कि मेरे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी किस लेवल पे चल रही है। जब हम मेजर ही नहीं कर सकते तो जो भी कुछ है वो हाइपोथेटिकल लेवल पे है। जिस चीज़ को हम मेजर ही नहीं कर सकते, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उसको हम लॉ कैसे कह सकते हैं? जिस दिन वो मेजर हो गया उस दिन लॉ है, उस दिन लॉ है। मतलब एक 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 हमारे हाथ में एक डिवाइस होगा जिसे सीधा मेजर किया जाएगा, अभी मेरे थॉट्स की क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है। अच्छा, वो बाइक की चल रही है, अरे नहीं यार, इसको एडजस्ट करो, 240 पे डालो, अभी 160 पे, 240 पे डाला, गाड़ी की आ गई, गाड़ी आ गई। सिंपल है ना, सिंपल है। क्या प्रॉब्लम है? उस दिन ये एक लॉ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, हम सीधा जा करके निशाना लगा रहे हैं, ठा, दैट इज़ लॉ, दैट इज़ लॉ। जैसे एक रिसर्च हुई थी बहुत इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन के बारे में, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। एक पिजन को, एक कबूतर को एक उसमें रखा गया, एक केज में, एक पिंजरे में रखा गया, और साइड में एक मशीन लगाई गई। उस मशीन में से क्या किया गया, दाने छोड़े गए एग्जैक्ट 3-3 मिनट के इंटरवल पे। हर 3 मिनट बाद वहाँ से एक दाना निकलता और कबूतर को दाना मिलता। कबूतर को जैसे जैसे भूख बढ़ रही थी तो उसको उस दाने का लालच भी बढ़ रहा था, है ना। सो वो दाना आया एग्जैक्ट 3 मिनट बाद, कबूतर ने दाना खाया। कबूतर ने क्या किया, बीच में फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि दाना नहीं मिल रहा था, दाना देर में मिल रहा था और उसको भूख बढ़ती जा रही थी, उसने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी। गोल घूमा ऐसे करके पिंजरे में और आकर के बैठ गया। फिर से थोड़ी देर बाद दाना आ गया, फिर से गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। गोल घूमा, घूम करके बैठा, दाना आ गया। कबूतर का सुपरस्टिशन क्या बन गया कि मैं गोल घूम रहा हूँ इस वजह से दाना आ रहा है, जबकि ये सच नहीं है। जो दाना आ रहा है वो उस मशीन की वजह से आ रहा है जो एक इंसान के हाथ में है, जो एक इंसान के हाथ में है। उसने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि हर 3-3 मिनट बाद दाना आएगा, जिसका उस कबूतर के गोल घूमने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका सुपरस्टिशन बन गया, उसका एक हाइपोथेसिस बन गया कि मैं गोल घूमूंगा तभी दाना आएगा। अब वो गोल घूमे जा रहा है, 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 दाना नहीं आ रहा, फिर भी गोल 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 घूमे जा रहा है। उसको लग रहा है शायद अब आएगा, अब आएगा, जब गोल नहीं घूम रहा तो दाना नहीं आ रहा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज सुपरस्टिशन। कि जब हमको कुछ नहीं पता कि वो चीज़ हो कैसे रही है, फिर भी हम उसमें अपने फंडे घुसा दें, दैट इज सुपरस्टिशन। और इसी तरीके से अभी कुछ टाइम पहले, जब इस सेशन को करने से पहले, आई थिंक अराउंड, अशोक जी कब आपसे बात हुई थी मेरी, अराउंड 15-20 दिन पहले बात हुई थी। कहते कि मैं इस्कॉन टेम्पल में गया था जहाँ पे आपके सेशंस होते थे, वहाँ पे मैंने आपको देखा और मेरे अंदर एक अर्ज आई कि मुझे यहाँ पर इस कंपनी को ज्वाइन करना है। मैंने अपना रिज्यूम भेजा और मैं यहाँ पर आज इस कंपनी में बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैंने कहा अशोक जी आप बताओ, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ नहीं ऑपरेशंस में, हमारे पास कितने रिज्यूम्स आते होंगे उन लोगों के जो आज हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं? तो कहते हैं बहुत आते हैं, हज़ारों पड़े हैं मेरे पास, मतलब देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूम्स दैट वी रिसीव एवरी मंथ। मैंने कहा क्या उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग नहीं है? आपका स्ट्रांग था, उनका नहीं है, उन्हें जॉब क्यों नहीं मिल रही हमारी कंपनी में? वो भी तो करना चाहते हैं। क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बेसिकली आपसे ज्यादा इस कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं? हैं, उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा फिर ऐसा क्यों है कि वो यहाँ पर नहीं है और आप यहाँ पर, समझा दो। और मैंने कहा कि क्या आपने, आप कहते रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ, क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस किया जिस वजह से आप इस कंपनी के अंदर हो, जिस तरीके से बताया गया था? 3 स्टेप्स होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मैंने कहा आपने आस्क, हैव यू आस्क्ड फॉर इट? क्या आपने देखा मेरे सेशन को होते हुए और क्या रोज रात को बैठ करके आपने आपने मांगा
कि मैं इस यहाँ पर इस कंपनी में चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ, क्या ऐसा कुछ आपने किया? कहते नहीं किया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते मैंने अपना रिज्यूम मेल कर दिया यहाँ पर। मैंने कहा एक छोटा सा फ़र्क आ गया आप में और उन लोगों में जो जेन्युइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे थे, छोटा सा फ़र्क आ गया। इन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, देखा और अपना रिज्यूम उठा करके मेल कर दिया। तो मैंने कहा क्या हुआ, गारंटी नहीं हुई कि आपको जॉब मिलेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आपकी। उन लोगों से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस तो कर रहे थे लेकिन साथ में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। बहुत लोग आए, हज़ारों लोग आए जिन्होंने देखा सेशन को होते हुए, मेरे सेशंस को, उनके मन में आया कि हमको भी जुड़ना है यहाँ पर कंपनी में, किसी तरीके से जुड़ना है, कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, सोचते रहे, है ना, कोई एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन लिया मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया, एक्शन भी ऐसा नहीं अकेले आपने लिया, एक्शन भी बहुत सारे लोगों ने लिया, हज़ारों रिज्यूम्स आए, उसमें से भी आप यहाँ पर हो, बाकी लोग नहीं हैं। क्यों? जॉब होनी तो चाहिए ना भाई, कहाँ से मिलेगी? सीधा सा फंडा है ना, देर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल, जो हमारी समझ से बाहर है। ये जो पूरा का पूरा फंडा है ये मेरी भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को आ रहा है समझ में? आ रहा है? अब हमारा माइंड क्या करेगा, हमारे माइंड को जैसी कोई चीज़ नहीं समझ आएगी ना, यू विल स्टार्ट ऑफ विथ फाइंडिंग रीजंस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सिटिंग हेयर, तो अभी माइंड किस तरीके से काम कर रहा होगा, यू वुड से कि देखो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर बैठा हूँगा, मैं बैठी होंगी, और देखो मैं बैठा हूँ। बाकी के हज़ार लोग, क्या उन्होंने नहीं सोचा था? हो सकता है आपसे ज़्यादा सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से सोचा होगा, आपसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी होगी, क्या पता वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग भी हो, क्या पता कमी उसके अंदर हो जो सिलेक्शन कर रहा है। क्यों नहीं हो सकती कमी? मेरी टीम में क्यों नहीं हो सकती, मेरे में क्यों नहीं हो सकती? क्या पता जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग हो, वो यहाँ पर नहीं है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर हो, क्या वजह है समझा दो। तो जो चीज़ हमको नहीं समझ आ रही उसको हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ले जा करके उस पर हम एक ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल, कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ दिस इज बियॉन्ड आर कंट्रोल, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम बोलते रहे एक चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम बोलते रहे कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में, अटक गए। जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया तो अब हम देख सकते हैं कि हमको क्या एक्ट करना है, हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं बैंग ऑन, सीधा पॉइंट पे, कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये बड़ी मज़ेदार गुत्थी है, गुत्थी वो वाली नहीं, वो जो कॉमेडी नाइट्स में आती थी, एक एक्चुअल गुत्थी है। गुत्थी क्या है कि यार सबसे पहला स्टेप जो बताया गया है वो बताया गया आस्क, यही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही है सबसे पहला स्टेप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आस्क, मांगो। क्या मांगो? जो हमारे डिज़ायर्स हैं। डिज़ायर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं डिज़ायर्स? थॉट से आते हैं। अब कैसे डिसाइड करें कि किस थॉट को मांगना है, किसको नहीं मांगना। एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ये भी बताया गया है हर जगह पर। तो उसका एक रास्ता बताया गया है काफ़ी जगह पर, वो है अपने फीलिंग्स के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, इमोशंस के बेस पे हम कॉल ले सकते हैं, ये एक रास्ता है। क्या ये रास्ता ठीक है? अब एक एग्जांपल लो, बड़ा रियल लाइफ सा। पान की दुकान पे चार लड़के खड़े हुए हैं, चारों दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं 4-5 साल से। तीन दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं, एक है नहीं पीता, और ऐसे ही शुरुआत होती है सिगरेट पीने की, ऐसे ही होती है, एक है नहीं पीता। अब वो तीन दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, उस एक का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि ओल्ले 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 बेटा, बेटे के लिए दूध लेकर के आओ, दूध पिलाओ बेटे को, इसकी बस की नहीं है सिगरेट पीना, ये आदमी नहीं बना अभी, ही इज़ नॉट अ मैन, इज़ अ बेबी। बेटे जाओ घर पे जा करके खेलो अपने टेडी बियर के साथ में, ऐसे बोल रहे हैं। तो एक दोस्त की खिंचाई हो रही है, तीन दोस्त बैठ करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। उसको कैसी फीलिंग हो रही है उस एक लड़के को? गंदी फीलिंग हो रही है, गंदी फील होगी ना। अपने आप को सिचुएशन में डाल करके देखो कि आपके दोस्त और यही तीन दोस्त हैं उसकी लाइफ में, और कोई है ही नहीं, कोई चौथा दोस्त नहीं है, कि वो सब मिल करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बुरे तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसको गंदी गंदी फीलिंग्स हो रही हैं, और वो किसी तरीके से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छी फीलिंग के लिए उसको क्या करना है? सिगरेट लेनी है, जलानी है, पीनी है। नाउ ही विल बी अ पार्ट ऑफ द गैंग, चार दोस्तों का पार्ट बन गया, उनके साथ में घूमेगा बाइक पे,
उनके साथ में बातें करेगा इधर उधर की ये वो, नाउ ही विल बी अ मैन, ठीक है, अच्छी फीलिंग। डिजायर क्या कह रहा है? पियो। फीलिंग क्या करवाना चाह रही है? उससे पिलाना चाह रही है। लेकिन अगर वो नहीं पीता और उन दोस्तों को बोलता है कि भाड़ में जाएं ऐसे दोस्त, मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त, और घर में जाकर के अकेला बैठ जाए, तो कैसी फीलिंग होगी उसको? गंदी फीलिंग होगी, गंदी फीलिंग। जैसे ही फीलिंग्स खराब होती है, माइंड इमीडिएटली उसकी एग्जैक्ट अपोजिट अच्छी फीलिंग ढूंढता है, एग्जैक्ट उल्टी उसकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ से लड़ाई हुई तो इमीडिएटली एक आदमी जा करके उसको ऑफिस में अगर कोई दूसरी फीमेल होगी जो थोड़ा अच्छे से बात करेगी, वो अच्छी लगने लग जाएगी इमीडिएटली। या फिर वो उसको पूरा उसको ठीक करने के लिए अगर कहीं लड़ाई हुई तो जा करके खाना खाने लग जाएगा, ओवर ईटिंग करने लग जाएगा, मतलब किसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालेगा। सिगरेट, जबकि पता है कि वो अपने लिए हार्मफुल है, लेकिन सिगरेट पीना शुरू कर देगा। फीलिंग्स आर टेम्प्ररी, इस चीज़ को हमको अपने दिमाग के अंदर घुसाना है, तभी इन फीलिंग्स से हम लड़ सकते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो टेम्प्ररी है, जितना हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, वो उतना ही हमको घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी घुमाती रहेगी। सिंपल। सो जरूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स अच्छी हैं वो काम भी हमारे लिए अच्छा हो। तो अब सवाल वहीं आ जाता है घूम फिर के, तो फिर डिसाइड कैसे करें? कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें क्या अपने आप से पूछना है कि क्या ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? क्या ये मेरे आसपास में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है या नहीं है? फीलिंग अच्छी है करो, फीलिंग बुरी है करो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है। फीलिंग बुरी है करो, आई अगेन रिपीट, फीलिंग बुरी भी है तो करो, अगर वो अच्छा है तो। फॉर एग्जाम्पल आज अगर प्यार और अट्रैक्शन में फर्क देखा जाए तो क्या है? प्यार और अट्रैक्शन में अगर सिंपल वे में फर्क देखा जाए तो क्या है? अट्रैक्शन गिव्स यू टेम्पररी प्रेजर बट परमानेंट पेन, लव गिव्स यू टेम्पररी पेन बट परमानेंट प्लेजर और समथिंग बियॉन्ड प्लेजर, समथिंग बियॉन्ड प्लेजर। व्हेन यू आर बियॉन्ड पेन एंड प्लेजर, व्हेन यू आर बियॉन्ड योर माइंड, दैट स्टेट इज कॉल्ड लव। आप किसी डांसर से जाकर ये पूछो कि क्या कब होता है आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कब थी, कहती बेस्ट परफॉर्मेंस तब थी जब मैं खुद को भूल गई थी, जब मैं नहीं थी, मैं कौन है? पेन एंड प्लेजर। जब मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मजा आ रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं था मजा आ रहा है, लोगों को आ रहा था मुझे तो नहीं आ रहा था, मैं थी लेकिन मैं नहीं थी। तो स्टेट ऑफ लव में कैसे पहुंचते हैं? मेरी जिंदगी में टोटल 8-10 चीजें हैं जिससे मैंने प्यार करा है, अट्रैक्ट मैं लाखों चीजों की तरफ हुआ हूँ, ठीक है, काम है, लोग हैं, ये है वो है, बहुत आइडियाज हैं, लाखों आइडियाज हैं जिनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन प्यार मुझे सिर्फ 8-10 आइडियाज से है, 8-10 चीजों से है, जो इतना प्यार है कि जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, दैट इज कॉल्ड